बहुत बड़े टॉपिक पे बात करते हैं जो पूरे इंडिया की प्रॉब्लम्स बन चुकी है। पहले तो आपका स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल जीवन साथी सॉल्यूशन में। अगर आप भी अपने रिश्ते से परेशान हैं, अगर आपकी शादी नहीं हो पा रही है, तो आप एकदम सही वीडियो देख रहे हो और इस वीडियो में अंत तक बने रहें। मैं कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो आपको भी सुनकर बहुत अच्छा लगेगा और आप एक फ्रॉड कंपनियों से, फ्रॉड लोगों से बच पाएंगे शादी के मैटर्स में। मैं प्रिंस गुप्ता अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। साथ ही साथ मैं आज ये बताने वाला हूं कि आपको मैरिज ब्यूरो वाले कैसे बेवकूफ बनाते हैं। तो आप सबसे पहले किसी भी मैरिज ब्यूरो में आप जाते हैं, चाहे वो डायरेक्ट विजिट कर रहे हैं या आप डायरेक्ट कॉल पे बात कर रहे हैं, तो पहली बात तो ये है कि आज के डेट में 90% मैरिज ब्यूरो फेक है। 90% मैरिज ब्यूरो का कोई ऑफिस नहीं है, 90% मैरिज ब्यूरो का कोई सर्टिफिकेट किसी भी गवर्नमेंट से नहीं है, किसी भी कंपनी का उनके पास कोई लाइसेंस नहीं है। बट वो आज के डेट में अपना आपको बोलते हैं कि मैं ये करा दूंगा, मैं वो करा दूंगा। हमारे यहाँ शादियां 10 दिन में फाइनल होती है, हमारी शादियां 5 दिन में फाइनल हो जाती है। आप सर मुझे अपना डिटेल्स दें और आपसे पैसा ले लेते हैं, पैसे ऐंठ लेते हैं, उसके बाद आपको भूल जाते हैं, आपका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं। अगर आप भी इन सारी चीजों से परेशान हैं तो आज हम डिटेल्स में जानते हैं कि आपको मैरिज ब्यूरो वाले या फिर आज के डेट में बहुत सारे लोग मार्केट में रन कर रहे हैं जो आपकी शादी कराने का दावा करते हैं, वो उन लोगों से आपको बचने का मैं आप लोगों को सोल्यूशन देने वाला हूं। तो पहली बात तो आप ये जरूर जान लें, अगर आप किसी भी मैरिज ब्यूरो में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। पहली बातों का ध्यान ये रखें कि उनका कोई फिजिकल ऑफिस है या नहीं है। अगर आपको डाउट्स होता है थोड़ा बहुत भी हो, तो उनको वीडियो कॉल पे ले और सबसे पहले आप ये बोले कि आप पहले अपना मेरे को ऑफिस दिखाओ। फर्स्ट स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप ये हो गया कि आप उनके कंपनी के पेपर देखने के लिए जरूर मांगें कि उनकी कंपनी रियलिटी में कहीं पे रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो अगर वो रजिस्टर्ड है तो कहीं ना कहीं वो सही कंपनी है। तीसरी चीज, कंपनी कब से काम कर रही है मार्केट में, ये जरूर जाने। कंपनी 1 साल पुरानी है, 6 महीने पुरानी है या सालों पुरानी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अगर कोई कंपनी रेगुलर काफी टाइम से टिकी हुई है तो आप समझ जाए कि वो कंपनी काफी अच्छी है। अगर वो कंपनी ने फ्रॉड किया रहता, वो कंपनी कुछ ऐसी वैसी चीजें लेकर के आता, वो कंपनी कब की क्लोज हो जाती। तो आप इन सारी चीजों को जरूर ध्यान में रखें तो और उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। और तीसरा मैं ये भी बताना चाहूंगा, तीसरा आपको पॉइंट क्या रखना है कि आप जिसके पास भी रजिस्ट्रेशन कराते हैं उनकी प्रॉपर डिटेल दें कि वो कहाँ के हैं, ठीक है, उनका ऑफिस कहाँ पे, उनका ऑफिस का एड्रेस कहाँ पे है, उनके ऑफिस में कितने मेंबर्स काम करते हैं, उनके ऑफिस का काम करने का तरीका क्या है, वो लोग रिश्ते कैसे प्रोवाइड करते हैं। तो आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि हमारी कंपनी कैसे काम करती है, किस हिसाब से काम करती है और किस हिसाब से हम आपकी हेल्प करते हैं, आप तक रिश्ते पहुंचाते हैं। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है और आपको कैसे बेवकूफ बना रहे हैं मैरिज ब्यूरो के जरिए लोग, ये भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं आपके पास इस टाइप के वीडियो लेकर के आता रहूं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि आज के डेट में अगर आप किसी मैरिज ब्यूरो को कॉल करते हैं, आप अपने बारे में पहले बताते हैं कि मेरा नाम ये है, मेरा ये एड्रेस है, मेरी उम्र ये है, मेरी हाइट ये है, यहाँ तक समझ में आता है। वो लोग आपसे एक अमाउंट के लिए बोलते हैं कि सर आपको रजिस्ट्रेशन में इतना अमाउंट देना पड़ेगा। अमाउंट मांगना गलत नहीं है क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे लोग बिजनेस है लोगों का, मेरा भी बिजनेस है, तो अमाउंट मांगना गलत नहीं, लेकिन अमाउंट का यूटिलाइज होना बहुत जरूरी है। आपने पैसे दे दिए और पैसा वेस्ट हो गया, ये भी गलत बात है। आप पैसा वहीं लगाएं जहां आपका काम बन सकता है, संभावना ज्यादा से ज्यादा है। तो ये सारी चीजें आपको जरूर सोचनी है, आपका पैसा वेस्ट नहीं होना चाहिए। सोच समझ के किसी भी मैरिज ब्यूरो में रजिस्ट्रेशन कराएं और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो के लिए हमेशा मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।